नमस्कार साथियों, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना के अधिकार के बारे में हम लोग बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे क्या है, इससे आम नागरिकों को क्या पावर मिली हुई है। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है साधारणता की सूचना का अधिकार आम लोगों के हाथों में हथियार देता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। बहुत ही अपने देश का कोई भी बड़ा घोटाला क्यों ना हो, फिर आपका 2G घोटाला हो, फिर चाहे कोयला घोटाला रहा हो, फिर चाहे आपका चारा घोटाला रहा हो, फिर चाहे आपका बोफोर्स घोटाला रहा हो, फिर चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला रहा हो, फिर चाहे आपका टैक्सी चोरी काला धन वाला घोटाला रहा हो, फिर आदर्श हाउसिंग घोटाला रहा हो, इस तरह के जितने भी बड़े हो घोटाले हुए हैं उनका खुलासा सूचना के अधिकार के द्वारा ही हुआ है। ठीक, याद रखिए। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही सीधे साधे शब्दों में जानेंगे। सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लागू कब हुआ। तो याद रखना, 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया। कब? 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया। इसे पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया है, संपूर्ण धाराओं के साथ। ठीक है, पूर्णतः लागू पूरी तरफ से कब किया गया? पूरी तरह से लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को, संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू किया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य होता है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्यों को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। यानी कि जो भी देश हो या राज्य हो आपका, जो भी ये सूचना का अधिकार लागू करता है उसका उद्देश्य होता है कि हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ के आम लोग इस अधिकार के द्वारा अपने हक की सूचना मांगें। जैसे कि आपके यहाँ कोई काम चल रहा है, आपकी पंचायत में या आपकी विधायक या आपका सांसद कोई काम करवा रहा है, या कहीं आप जाते हो आपका काम नहीं किया जा सकता है, तो आप पूछने के हकदार हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है आपका। इसका मतलब यही होता है कि आप उससे पूछें कि आपके हक में ये काम क्यों नहीं हो रहा है। और क्योंकि आप जो भी टैक्स भरते हैं, जो भी लोग काम हो रहा है देश में, वो सभी आपके टैक्स द्वारा भरे हुए पैसे से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देश आपको हथियार देता है एक कि आप इसके द्वारा लड़ें। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है। जैसे कि बहुत ही सीधे नीचे पटल पर लेते हैं, जैसे आप अपने गांव में सरपंच को क्यों चुनते हैं? जिससे काम हो सके आपके यहाँ, आपके गांव का विकास हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सभी आपके यहाँ विकास हो सके, अच्छी सुविधा हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ सरपंच को देखते हो आप लोग, पहले अपने ही जेब तो भरने से उसे फुर्सत नहीं है, वो कहाँ। तो इसीलिए अधिकार दिया गया कि आप उससे पूछें कि आपने क्या किया 5 साल में, कौन सा काम कर रहे हो, क्यों नहीं आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ठीक है, इसे इस लेक्चर को देखने के बाद आप बहुत ही जागरूक हो जाएंगे। याद रखिए, एंड तक देखिए, देखते जाइए। बाद में हम लास्ट में, सबसे लास्ट में बताएंगे आपको किस तरह हम सूचना मांगते हैं, किस तरह हम पूछते हैं अपने सवाल। ठीक है, किस तरह फॉर्म होता है, सब कुछ देखेंगे लास्ट में। और आप इसका प्रयोग करिए, अभी जिसके पीछे आप दौड़ते फिरते हो वो तुम्हारे पीछे दौड़ता फिरेगा, ये गारंटी है मेरी। तो आप जिस लोकतंत्र में देश कि जनता अपने चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करता है, और यह अपेक्षा करती है, जनता यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करे। लेकिन कालांतर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियाँ नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कीर्तिमान कायम करने को एक भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जन विरोधी और अलोकतांत्रिक है।
सरकारें यह भूल जाती हैं कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है। एवं सरकार उनकी चुनी हुई नौकर है, इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है वह क्या कर रही है। जैसे कि आप अपने विधायक या सरपंच को चुनते हैं तो आपको हक है पूरा कि उनसे पूछें कि वो 5 साल में कर क्या रहे हैं। आपके चुप बैठने से उनके और मजे हो जाते हैं, समझ रहे। तो इसलिए आपके हाथ में आप ही मालिक हो। जनता सबसे बड़ी मालिक है क्योंकि जनता चाहे तो किसी भी को हरा सकती है, वो किसी भी को जिता सकती है, ठीक है। तो आपके लिए हथियार साबित है। आगे बात करते हैं, प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने ना किसी माध्यम से टैक्स देती है। अब लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष हम लोग कर नहीं देते, तो क्या आप साबुन नहीं खरीदते, क्या आप शक्कर नहीं खरीदते हो, गेहूँ चावल कुछ नहीं खरीदते हो। जो आप साबुन खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है, इन अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि पहले सुना होगा आपने, देखा भी होगा कि 5 रुपये का घड़ी साबुन कितना बड़ा आता था, लेकिन अब कितना छोटा आने लगा, क्योंकि यही टैक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए क्वांटिटी कम उनकी कम होती जा रही है, ठीक है, छोटे साइज में आने लगा है। तो आप टैक्स देते हैं, आप ये मत बोलिए कि डायरेक्ट हम टैक्स नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं, क्योंकि आप वस्तु जो भी कपड़ा बर्तन जो भी खरीद रहे हो इन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो इतना रखिए याद, या बड़े हक से पूछने वाले पूछ सकते हो किसी से भी कि हमारे पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को नियंत्रण स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब कब कहाँ और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही संभव है। इसी द्वारा, सूचना के अधिकार द्वारा। मैं एक बताता हूँ आपको, एक तथ्य है कि मैंने अभी कुछ दिन MP मध्य प्रदेश में एक वेबसाइट देखी, उस पर एक पंचायत का हमने फंड देखा, मतलब पंचायत को कितना पैसा मिलता है। तो उसमें देखा मैंने कि 15 लाख एक स्कूल की मरम्मत के लिए पैसे गए हुए हैं। फिर मैंने देखा नीचे उस पंचायत को, कि उसमें देखा कि वो 15 लाख खर्च हुए हैं या नहीं, तो नीचे 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ था। इतना पता है आपको किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि लोग जागरूक ही नहीं है। सरपंच अपनी जेब में रख लेता है, ऊपर दिखा देता है कि हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और कहानी बताते हैं आपको, कि 4-5 महिलाओं के मुँह से हमने सुना था, देखा भी है, कि उनके यहाँ आवास निकले, जो भी प्रधानमंत्री आवास निकल रहे, तो उनसे 25-25, 30-30 हज़ार रुपये लिए गए। उन्हें जो आवास के पैसे मिले उनमें से 25 से 30 हज़ार रुपये सरपंच और सचिव होता है ना, उसने ले लिए उनसे, समझ रहे। तो ये है अपने हाल देश का। आगे बात करते हैं, सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। बात करते हैं आगे, अंग्रेजों ने भारत पर 250 वर्षों तक शासन किया, सबको पता होगा आपको। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया था, जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकेगी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया, ना ही अंग्रेजों का बनाया हुआ शासन गोपनीयता अधिनियम 1923 का संशोधन किया। आने वाली सरकारों ने गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सूचनाओं को छुपाती रही।
सूचना के अधिकार की प्रति सजगता वर्ष 1975 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण से हुई। इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया। इसीलिए तो कहता हूँ कि हमारे घर में खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ना हमें संविधान का पता है कि हमें कितने अधिकार दिए गए हैं, कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे कि अनुच्छेद संविधान में मौलिक अधिकार है आपका, अनुच्छेद 19(a), इसके तहत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल किया गया इसमें, कि आप कोई भी सूचना किसी भी से मांग सकते हैं। एक और आपको बात तथ्य बताते हैं कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमसे क्या बोल दिया जाता है कि वो सर्वर ख़राब है, हमारे सर्वर काम नहीं कर रहे हैं। और कोई बड़ा आदमी जाता है उसी बैंक में तो बगल से निकल कर अपना काम करा के चला जाता है, और जो हमारे यहाँ के अनपढ़, कुछ भी कह लीजिए, आम आदमी है, उसके लिए बेवकूफ़ बनाते रहते हैं वो लोग। ठीक, तो आप लोग जागरूक हो जाइए, पूछिए उनसे क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, दूसरों के लिए वही सुविधा क्यों उपलब्ध है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा देश का। ठीक है, 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवाद इस पर धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें कभी भी परिभाषित नहीं किया गया था गुप्त क्या है और शासकीय गुप्त बात क्या है। इसलिए परिभाषा के अभाव में यह सरकार का निर्णय पर निर्भर करता था कि कौन सी बात को गोपनीयता माना जाए और किस बात को सार्वजनिक किया जाए। बाद के वर्षों के में साल 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की। सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई, याद रखिए राजस्थान से प्रारंभ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई राजस्थान में, जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई। 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया। फिर 3 दिसंबर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की, किंतु बीपी सिंह की सरकार तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी। यह सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। वर्ष 1997 में केंद्र सरकार में HD सूरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता की प्रस्तुत प्रारूप प्रस्तुत किया गया, किंतु सूरी कमेटी की प्रारूप में कुछ संयुक्त मोर्चे की दो सरकारों ने दबाए रखा। वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए किए गए अपने वायदों, पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 22 मई 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया था। याद रखिए, इसी के साथ सूचना के स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया। लेकिन आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया है।
तो अब जो प्रावधान पूरे भारत में लागू होंगे वही प्रावधान अब जम्मू कश्मीर में होंगे। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वो छीन लिया गया, ठीक है, अब कोई भेदभाव नहीं है। इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पूर्व 9 राज्यों ने पहले से लागू कर रखा था सूचना का अधिकार। इनमें आपका शामिल है तमिलनाडु, गोवा ने 1997 में, कर्नाटक ने 2000 में, दिल्ली 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ने 2002 में, जम्मू कश्मीर ने 2004 में लागू कर चुके हैं। सूचना का तात्पर्य क्या होता है? अब आप लोग कहोगे सूचना होती क्या है, तो रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियों, परिपत्र, आदेश, लंग पुस्तिका, ठेके सहित कोई भी उपबंध सामग्री, निजी का निकायों से संबंधित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार, इसके अंतर निम्नलिखित बिंदु आते हैं। कार्यों, दस्तावेजों, रिकॉर्डों का निरीक्षण, दस्तावेज या रिकॉर्डों की प्रस्तावना, सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, पेंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान। 5, सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं आदि विभाग इसमें शामिल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि आप लोग किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं आदि विभाग इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि अगर सरकार के पैसे से कोई भी संस्था चल रहा है या कोई भी काम चल रहा है तो उसमें आपका हिस्सा लगा हुआ है, वो आप पूरा हक है आपको कि आप उसके बारे में पूछें कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है, वो कितने पैसे का क्या है। पूर्णता से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं आती हैं, लेकिन याद रखिए जैसे अगर कोई निजी, मतलब कोई आपके यहाँ कोई काम करवा रहा है, जैसे आप घर बनवा रहे हैं अपने पैसे का, तो आपसे कोई किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे जवाब मांगे कि कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। यदि इसी जगह आपके यहाँ कोई स्कूल बन रहा है जो सरकारी खर्च से बन रहा है तो उसमें आपका हक है कि आप जाकर पूछ सकते हैं कि कितना पैसा मिला हुआ है और कितने से बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वो सूचना मांगी जा सकती है। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं जो सूचना अधिकारी के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आपके ज़िले में, आपकी तहसील में एक सूचना अधिकारी रखा जाता है कि आप जो सूचना मांगते हैं उसे वो देगा। जैसे आपने मांगा कि आपके यहाँ कोई स्कूल बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, कोई डैम बन रहा है या तालाब बन रहा है या कुछ भी बन रहा है सरकारी, उससे तो आपने पूछा कि लिखा कि इसमें कितना खर्चा आया हुआ है, कितना फंड मिला है इसके लिए, तो जो आपने पूछा वो जाएगा पत्र जिला, आपके ज़िले में वहाँ एक आपका सूचना अधिकारी होगा, ठीक है, तो वो मांगेगा आपके गांव में जो पुल बनवा रहा है उससे सूचना कि आपको कितना फंड मिला हुआ था और कितना आपने काम किया, कितने रुपये खर्च हुए उसमें, और फिर आपको वो सूचना लेकर अधिकारी आपके पास पोस्ट ऑफिस या किसी भी माध्यम, ईमेल, मोबाइल नंबर या किसी तरह से आपके पास भेज देगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल सकेगा कि इसमें कितना खर्च आया, क्या क्या हुआ है। 7वां है इसमें जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर, कुछ मामलों में 45 दिन तक मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सूचना मांगते हैं तो हर हाल में 30 दिन के अंदर उसे उपलब्ध कराना होगा, अगर जीवन और स्वतंत्रता के मामले में या बहुत ज़रूरी ही है कोई सूचना आपने मांगी तो 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करानी होगी सूचना अधिकारी को, याद रखिए।
जो भी जन अधिकारी होगा आपका, वो 48 घंटे या फिर 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराएगा, ठीक है। कुछ मामलों में 45 दिन तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा होती है तो आपको भी फिर भी अधिकार मिले हुए हैं। यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तब समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक जुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। समझ गए आप कि अगर तुम जैसे आप लोगों ने सूचना मांगी है अपने यहाँ के सचिव से या सरपंच से कि कोई स्कूल है या कुछ भी है वो कितने में बना, या आपके लिए मनरेगा सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। मनरेगा, मनरेगा में पैसे आते हैं, मजदूरों को मिलते हैं, उससे रोज़गार मिलते हैं। कहीं 100 दिन का है साल में रोज़गार, कहीं 125 दिन, कहीं 90 दिन, तो आपके स्टेट में जितना रहेगा मुझे इतना क्लियर पता नहीं है, 100 दिन से कम का नहीं रहता है, हर जगह 100-90 दिन रहता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपने सेक्रेटरी सरपंच के पास जाकर रोज़गार 100 दिन का रोज़गार पा सकते हैं, ये आपका हक है याद रखिए। तो आप पूछेंगे जाके उससे कि क्यों नहीं हमें रोज़गार मिल रहा है, वो मना कर देता है, तो आप एक पत्र लिखकर पूछ सकते हैं कि हमें क्यों नहीं रोज़गार दिया जा रहा है। तो वो अधिकारी होगा जो, वो आपके सरपंच से पूछेगा। और अगर आपने जो सूचना मांगी है, अगर ये सूचना आपको नहीं मिलती है या मिलती है अधूरी मिलती है या आपको डराया धमकाया जाता है, तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होगी। और साथ ही आपको सूचना ना मिलने पर 250 रुपये दिन प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगता है, ठीक है। और ये मिलते हैं आपको, साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी, उससे सूचना भी देनी होगी, ये पैसे भी देने होंगे और सूचना भी देनी होगी। लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता। जैसे आपने पूछा कि हमें रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपसे किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे पूछ सके कि क्यों आप पूछ रहे हैं सवाल, क्योंकि आपका हक है वो, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई आपको डराता है तो आप जाइए, देखो यार इतना तो क्लियर है, आपको कुछ करना होगा तो घर से तो निकलना पड़ेगा, रिस्क तो उठाना होगा। आप सोचो ज़िंदगी में अगर रिस्क ना उठाया जाए, सब कुछ मिल जाए, तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, ठीक है। अगला, 10 सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होगी। याद रखिए केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस तय की है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। बीपीएल कार्ड धारकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है। जो सूचना आप मांगते हैं, अगर आप बीपीएल में हैं, मतलब गरीबी रेखा में है आपका नाम, तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। और अगर आप बीपीएल नहीं है आप, तो आपको 10 रुपये फीस देनी होगी, ठीक है। दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। अगर आप जैसे आपने मांग लिया कि आप 5 साल का पूरा रिकॉर्ड चाहिए किसी सरपंच से आपको, या किसी सेक्रेटरी से कि आपकी पंचायत में क्या काम होगा, कितना काम, तो जितने पेज में होगा, एक पेज या 1 रुपया या 2 रुपया प्रति पेज के हिसाब से आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 500 पेज हुए, 500 पेज में आपका पूरा 5 साल का कार्य रहा जो सरपंच ने किया या विधायक ने किया, तो उसके लिए आपको फीस देनी होगी। याद रखिए 1-2 रुपये ये प्रति पेज के हिसाब से जितने भी पेज होंगे। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार ने यह फीस 2 रुपये प्रति पेज रखी है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। अगर यह सूचना तय समय में नहीं उपलब्ध कराई गई, तो सूचना मुफ्त दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको सही टाइम पर नहीं मिल पाई, तो आपको सूचना मुफ्त दी जाएगी। यदि कोई लोक सेवक अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 दिन की जगह 35 दिन हो सकती है। याद रखिए, एक पत्र लिखा और आपने सूचना मांगी और वो पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर आए, तो यहाँ से आपका अधिकार खत्म हो जाता है, यहाँ से आपका दायित्व तो खत्म हो जाता है कि आप किस अधिकारी, अगर आपने सूचना मांगी और गलत अधिकारी के पास भी पहुंच गई, तो उसका कर्तव्य है कि वो सही अधिकारी के पास भेजे उसको, ठीक है। आपको हर हाल में सूचना मिलेगी।
इसका अर्थ है ये, ठीक है। लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण भ्रम डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए यदि फीस मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। याद रखिए, आप सूचना मांगते हैं, आपको कोई डराता है, चाहे फिर आपका गांव का कोई भी हो जिसके खिलाफ आपने सूचना मांगी, तो उस पर तगड़ी कार्रवाई होती है, समझ रहे हैं, तगड़ी बहुत तगड़े से नप जाता है, ठीक। वो अगर इसका भरोसा नहीं है तो करके देखिए, आपका कुछ नहीं उखड़ेगा, ठीक है, 10-20 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन आपको पता चल जाएगी कि सूचना के अधिकार की कितनी पावर है। आज जो लोग जिनके पीछे आप हाथ जोड़ के दौड़ते फिरोगे वो कल तुम्हारे पीछे फिरेंगे दौड़ते हुए, ये करके देखिए, ठीक है। फिर है जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती उनका विवरण सूचना अधिकार कानून की धारा 6 में दिया गया है, लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। जो सूचना संसद या विधानसभा दोनों को देने से मना नहीं किया जा सकता है उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता है। 15 है यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं देता है या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर संबंधित सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है, ठीक है। यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं है, दूसरी अपील 60 दिन के भीतर केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के पास करनी होती है। विश्व 5 देशों की सूचना के अधिकार का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 5 देशों स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको, भारत का चयन किया गया। इन देशों के कानून लागू किए वर्ष, शुल्क, सूचना देने की समावधि, अपील शिकायत प्राधिकरण जारी करने का माध्यम, प्रतिबंधित करने का माध्यम आदि का की तुलना सारणी के माध्यम से किया गया है। देश स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको, भारत कानून द्वारा लागू 1966 ब्यास 1766 1982 1978 2000 2005 ये सूचना देने की समावधि तत्काल रूप से 15 दिन, ठीक है, ये इनकी है, मतलब अलग अलग देश की, अपन को क्या, ठीक है। आपका ये देश अलग ऐसा नहीं है कि सूचना का अधिकार लागू किए हुए। विश्व में सबसे पहले स्वीडन में सूचना का अधिकार 1766 में, याद रखिए, अपने यहाँ 2005 में लागू हुआ, स्वीडन में 1766 से लागू है, जबकि कनाडा में 1982, फ्रांस ने 1978 और मेक्सिको ने 2002, भारत ने 2005 में। बताइए, 1766 में स्वीडन ने लागू किया था और भारत ने कब किया, 2005 में, कितना अंतर है। विश्व स्वीडन पहला देश है जिसने संविधान में सूचना का स्वतंत्रता प्रदान की है। इस मामले कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको तथा भारत का संविधान उतनी आज़ादी प्रदान नहीं करता है, जबकि स्वीडन के संविधान ने 250 वर्ष पूर्व सूचना की स्वतंत्रता की वकालत की थी। बताओ, जो अधिकार आज हमें दिए जा रहे हैं वो दूसरे देश 250 साल 250 साल पहले प्राप्त कर चुके हैं, अब हमारा देश पिछड़ा क्यों ना रहे। सूचना मांगने वाले को सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया स्वीडन, कनाडा, मेक्सिको तथा भारत में अलग अलग है, जिसमें स्वीडन सूचना मांगने वालों को तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान करता है। सूचना प्रदान करने के लिए फ्रांस और भारत में एक माह निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ संशोधन हुए 2019 में, इसमें हाल ही में 2019 में कुछ संशोधन किए गए, इन्हें भी देख लेते हैं संशोधन वाले बिंदुओं को। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नए विधेयक के तहत केंद्र राज्य पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते, अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। सूचना का अधिकार 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त पद
पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी भी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवा निमित्त लाभ प्राप्त है तो उस लाभ के बराबर राशि को उस वेतन से घटा दिया जाएगा। लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त किया गया है। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार कानून आज विश्व के 80 देशों के लोकतंत्र की शोभा बढ़ा रहा है। जिन देशों ने सूचना के अधिकार को महत्ता दी है, बेशक उन्हें में से स्वीडन को भुलाया नहीं जा सकता। अगर साफ शब्द में कहा जाए तो स्वीडन सूचना कानून की जननी है। स्वीडन सूचना अधिकार के कानून की जननी है। उससे भी महान स्वीडन का संविधान है, जिससे ने पूरी दुनिया में पुराना संविधान होने का दावा किया है, जिसमें सूचना का अधिकार को अपने दामन समेटे हुए लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है। अन्य देशों ने जहां सूचना देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई, वहीं स्वीडन ने सूचना तत्काल और निःशुल्क दिए जाने की पैरवी की है। मैक्सो ने जहां खुद ही अपने नागरिकों को सूचना लेने और सरकार को सूचना स्वतः विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसमें लोगों को आज़ादी का नया एक पंख लगा दिया। सूचना जारी करने या निर्देश तो भारत सरकार ने भी दिया है, लेकिन किसी भी राज्य और केंद्र के विभाग ने इसकी कोई पहल नहीं की। भारत में लोक सेवकों, राजनेताओं, नौकरशाहों ने इस कानून को बकवास कहकर बंद करने की मांग उठाते रहते हैं। खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस कानून के दायरे को कम करने और गोपनीयता बढ़ाने की वकालत की है। भारत में इसकी स्थिति यहां तक पहुंच गई कि खुद सरकार इस कानून को लेकर गंभीर नहीं नजर आती। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि ITI किसी को खाने के लिए नहीं देता। ऐसे बयान से सरकार की मंशा जग जाहिर हो चुकी है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको बता देते हैं हम लोग फॉर्म किस तरह आप लोग भरते हैं। कोई भी सूचना मांगते हैं तो किस तरह मांगते हैं, तो ये है आपका सूचना अधिकार कानून 2005, सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन है ये। ठीक है, हम आपको बता देंगे कहाँ क्या भरना है। ठीक है, जैसे इस सेवा में आप अपने सूचना अधिकारी को लिखोगे, उसका पता डालोगे। ठीक है, जैसे आपका जिला होगा वहाँ सर्च करना सूचना अधिकारी का पता, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। तो यहाँ वो सब भरना है। फिर विषय सूचना के अधिकार कानून 2005 के भाग 6(1) के अंतर्गत मांगी गई सूचना, यहाँ आपको सूचना जहाँ भेजना है उसको पता लिखना है। ठीक है, जिला जो सूचना अधिकारी होता है आपके यहाँ का, राज्य सूचना अधिकारी का नाम व पता। जब आप सर्च करोगे गूगल पर तो सब कुछ मिल जाएगा यार, क्योंकि गूगल जब से आया है सब कुछ ढूंढ देता है। तो यहाँ आपको भरना है आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप एक सिंपल खाली पेज लीजिए किसी भी कॉपी का, जो आपके यहाँ बच्चे लिखते हैं, उसमें ऊपर सूचना के अधिकार कानून सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन लिख दें। इसके बाद सेवा में लिखें, फिर यहाँ अधिकारी का नाम पता, फिर विषय लिख दें, फिर फर्स्ट एक आपके द्वारा मांगी गई सूचना का पूरा विवरण डालें इसमें। ठीक है, फिर आवेदक का नाम आप अपना नाम डालें, पिता का नाम डालें, श्रेणी डालें, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग में हो आप, क्या गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, हाँ या नहीं, अगर हाँ आते हैं तो हाँ, वो नहीं आते हैं तो ना। आवेदन शुल्क का उपयोग, अगर आप सामान्य में हैं या मतलब आप गरीबी रेखा में नहीं आते हैं BPL में, तो आप 10 रुपये लगेगा, तो उस पोस्टल को लिखें 10 रुपये। यहाँ बैंक ड्राफ्ट या बैंक चेक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, नकद जमा की रसीद यहाँ डालें। ठीक है, नंबर उसका जो आप 10 रुपये का टिकट लगाते हैं उस पर, उसका नंबर यहाँ डालें। बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक, भारतीय पोस्ट टोटल ऑर्डर नंबर, नगद जमा की गई रसीद, जारी होने की तिथि लिख दें यहाँ। ठीक, तो ये हमारा पूरा फॉर्म। ठीक है, इस तरह मांग सकते हैं। एक दूसरा फॉर्म दिखा देते हैं हम लोगों आपको। तो ये आप एक सीधा सा सिंपल पेज ले सकते हैं, उस पर भी मांग सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि फॉर्म ही चाहिए। ठीक है, और देना होगा जिस अधिकारी के पास आप भेजते हैं उसे देना होगा। सूचना का अधिकार कानून 2005 प्रथम अपील के लिए आवेदन, यहाँ पहचान के मांग दिनांक। ठीक है, सेवा में सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी,
ये विभाग जिस विभाग से चाहिए, ठीक है, ये जहाँ आप वो कर रहे हैं, अपील का विवरण, आवेदन का पूरा नाम, पत्राचार का पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, केंद्रीय राज्य सूचना का अधिकारी का विवरण, ये केंद्रीय राज्य सूचना अधिकारी जिससे मांग रहे हैं पूरा पता, और लोक प्राधिकरण का नाम याद रखिए। तो इसमें आप लोग अपील का ए फॉर्म है, सबसे सिंपल है आपका ऊपर वाला, कुछ नहीं भरना है आपको, एक सिंपल पेज लेना है, ऊपर लिख देना है सूचना के अधिकार कानून ए, फिर जिस अधिकारी को भेज रहा है उसका नाम, फिर ए लाइन लिख देना विषय आपको, ठीक है, यहाँ आपको विवरण दे देना है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि मुझे मनरेगा के तहत लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, या कोई योजना आई हुई है उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, या आपके यहाँ आवास आया हुआ है आपको नहीं मिला हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ आप लिख दें कि मुझे आवास क्यों नहीं दिया गया है, फिर मैं गरीबी रेखा में आता हूँ बीपीएल में, यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ आवेदन का नाम कर सकते हैं, या पिता का नाम, अनुसूचित जाति जिसके हो, ठीक है, आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी जानकारी आप मांग सकते हैं, बस देने लायक हो, ठीक है। तो ये था हमारा सूचना का अधिकार, बहुत ही सीधे साधे शब्दों में हम लोगों ने समझ लिया है, आप इसका प्रयोग करके देखें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरह वो लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं जिनके पीछे आप लोग सालों से भाग रहे हैं, ठीक है।